इस प्रॉब्लम को हम लिखते हैं नया प्रॉब्लम बनाया, फाइंड द सम ऑफ सब भी नहीं, फाइंड द मैक्सिमम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन एज इनपुट। इसका क्या मतलब हुआ? ये जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा मशीन, तो हमसे वैल्यूज लेगा और वो वैल्यूज सब पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी क्या है? 5 है, 71 है, 25 है, 82 है, 12 है, 17 है, 21 है, जो भी, ये सब पॉजिटिव वैल्यू। आप इतना समझ गए होंगे कि अगर ऐसा हमने प्रोग्राम लिखा तो जैसे जैसे हम वैल्यू देते जाएंगे ऐसे ऐसे वो मैक्सिमम निकालता जाएगा, कैलकुलेट करके रख लेगा, लेकिन बाहर नहीं निकल सकता कभी। ये हमारे लिए भी दिक्कत है। अगर हमारे पास मान लीजिए खाली ये 7 नंबर हैं, उनमें से मैक्सिमम निकालना है, तो ये 7 नंबर देने के बाद हमें कुछ देने लायक है ही नहीं, तो हम बताएंगे कैसे मशीन को कि भैया अभी हमें कुछ देना नहीं? और जो भी बताएंगे उसी को कंप्यूटर ने कंडीशन मान लेना चाहिए कि अभी कुछ नहीं करना है, आगे बंद करो काम। इसके लिए आर्टिफिशियल कंडीशन ये सोचती है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का मैक्सिमम निकालना है तो उसमें जीरो तो होगा नहीं, तो हम ऐसा प्रॉब्लम में और लिख देते हैं, जीरो विल बी गिवन एट द एंड। यानी जो वैल्यूज हैं ये पूरी देने के बाद हम जीरो भी देंगे। ये प्रॉब्लम हम ये कहना चाहते हैं कि जीरो अगर आ गया आप समझ लो आपका काम खत्म हो गया। अब ये एक जीरो के कारण हमारे पास एक कंडीशन तैयार हो गई। अब हम जानते हैं कब तक करना है अपने को, जब तक पॉजिटिव नंबर आते रहे उसका मैक्सिमम निकालते रहना। अगर कोई भी जीरो आ गया तो काम बंद करना, जीरो के आगे हमें कुल मिलने वाला नहीं। तो मान लीजिए हमने ये कंडीशन यहाँ पे लिख दी, व्हाइल ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके कैसे चलेगा। आप करें एग्जीक्यूट, ये वैल्यूज दी हैं यहाँ पर, हमेशा की तरह दो वेरिएबल्स हैं, ये ए है ये एम है। चलिए आप एग्जीक्यूट कीजिए इस प्रोग्राम को। सबसे पहले क्या होगा, इनपुट ए, क्या वैल्यू आएगी यहाँ ए में? 21, एम में भी 21 आ जाएगी। व्हाइल यानी आप यहाँ आ गए पहले दरवान के पास, वो कंडीशन चेक करवाएगा, इज ए नॉट इक्वल टू जीरो? यस ए इज नॉट इक्वल टू, वो परमिशन देगा अंदर जाओ। अंदर आए फिर क्या किया आपने, इनपुट पढ़ा फिर से एक, अब ए की वैल्यू बदल गई, क्या आ जाएगी ए की वैल्यू? यहाँ 17 आ जाएगी, ये वैल्यू दे रहा। इसके बाद इज ए ग्रेटर देन एम? नो, ये कुछ नहीं होगा, यहाँ आ गया मैं, यहाँ आने के बाद ये चौकीदार मुझे वापस फेंक देगा, वापस गया मैं, कहाँ गया? यहाँ। फिर से कंडीशन चेक हुई, इज ए नॉट इक्वल टू जीरो? यस इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऊपर वाले चौकीदार ने फिर अंदर भेज दिया। 17 गया, 17 की जगह क्या आ जाएगा? 5,
क्या 5 21 से बड़ा है? नहीं है, 21 21 रहा। फिर से 5 0 नहीं है, मतलब फिर से चौकीदार वापस फेंकेगा, फिर से चेक करूंगा कंडीशन। अगला क्या आएगा? 71 आ गया, 71 एम से बड़ा है, है तो ये वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, 21 की जगह 71 हो जाएगी। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद फिर से वापस फेंक दिया गया ऊपर, और चौकीदार ने फिर कंडीशन चेक करी, क्या 71 नॉट इक्वल टू 0 है? 71 इज नॉट इक्वल टू 0, सही है। फिर से अंदर जाओ, अब क्या होगा? अंदर आए तो सी इन 82 लिखा था क्या मैंने, और 25 आएगा, वही हाल होगा, 25 का कुछ होने वाला नहीं। फिर 25 के बाद में फिर एक चक्कर लगाएगा, 82 आएगा, क्या 82 71 से बड़ा है? है, तो ये 71 की जगह 82 यहाँ लिख देगा, लेकिन 82 जीरो नहीं है, तो फिर से जाएगा अंदर, अंदर जाके नई वैल्यू पड़ेगा 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12, ओह सॉरी, तो क्या 12 82 से बड़ा है? नहीं, सॉरी, ये सवाल बाद में आएगा, क्या 12 नॉट इक्वल टू 0 है? पहले ही, हाँ, तो नहीं, सॉरी, यहाँ पहले इनपुट किया है इसने 12, 12 कंपेयर होगा इसके साथ, 12 82 से बड़ा नहीं है, तो एम वैसा का वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद ये दरवान मुझे वापिस जब फेंकेगा तो फिर से आऊँगा मैं, क्योंकि 12 जीरो नहीं है। अब यहाँ पे जब सी इन पढ़ा जाएगा, इस बार इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 के बाद ये देखिए वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन काम रुका नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ने ये कंडीशन तो यहाँ चेक कर ली, उस समय 12 थी वैल्यू, तो वो 12 थी इसलिए वो यहाँ चला आया। अब इसने जीरो पढ़ा है, यहाँ हम कुछ चेक नहीं कर रहे, यहाँ खाली चेक कर रहे हैं इज ए ग्रेटर देन एम, क्या 0 82 से बड़ा है? नहीं है, ये असाइनमेंट नहीं होगी, यानी हमारा एम जो है सही सलामत बरकरार रहेगा मैक्सिमम। इसके बाद हम यहाँ आएंगे, फिर ये दरवान ऊपर फेंकेगा, लेकिन अब की बार ये जब सवाल पूछा जाएगा इज ए नॉट इक्वल टू 0, जवाब मिलेगा सॉरी नो, ए इज इक्वल टू 0, और ए इज इक्वल टू 0 के कारण ये जो पूरा प्रोग्राम है वो यहाँ से यहाँ निकल आएगा। यहाँ हम लिख देंगे सी आउट, और इस समय जो भी एम की वैल्यू है वो छाप दीजिए। अगर यहाँ पे जीरो नहीं देंगे तो आप दूसरी कोई वैल्यू देंगे, जब आप कुछ वैल्यू नहीं दिए तो आप बैठे रहेंगे, वो भी बैठा रहेगा, आपको कुछ वैल्यू तो देनी है। मान लीजिए आपने 17 दी, वो 17 से कंपेयर करेगा, फिर से वापस आएगा, क्या 17 जीरो है? नहीं है, फिर पूछेगा और वैल्यू दो, मतलब वो भूत बन जाएगा, वो फिर चलता रहेगा, जब तक आप 0 वैल्यू नहीं देते चलता रहेगा, क्योंकि हमने कंडीशन ही इस तरह से लिखी है कि 0 विल बी गिवन एज इनपुट टू टर्मिनेट। लेकिन इनका जो सवाल ये इन्होंने पूछा है उसका एक और अर्थ आप निकालें। मान लीजिए जो मैं वैल्यूज दे रहा हूँ जिनमें से मुझे मैक्सिमम निकालना है, उसमें 0 भी एक वैलिड वैल्यू है, कुछ निगेटिव भी वैल्यूज हैं, तो इस प्रोग्राम से मैं उनका मैक्सिमम नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये तो चलता रहेगा, मतलब 0 आ गया तो बंद हो जाएगा, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो कोई कंडीशन कुछ इस तरह की होनी चाहिए जो नॉर्मली कंप्यूटेशन में ना निकले, वैसी कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी बंद करने के लिए इटरेशन। इन कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन, इफ स्टेटमेंट कंडीशनल एग्जीक्यूट करता है यस और नो में, यह ये और या वो करता है, पावरफुल है स्टेटमेंट, उसको कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं, इफ कंडीशन देन दिस एल्स इफ कंडीशन समथिंग एटसेट्रा, और उसके कुछ सवाल करेंगे यहाँ पे भी और लैब में। लेकिन व्हाइल जो है वो बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है, वो इटरेटिव स्टेटमेंट है, रिपीटेटिव स्टेटमेंट, जो भी आप लिख देंगे उसको रिपीट करता जाएगा। और इसका लॉजिक ख्याल पे रखने के लिए बस दो चीज़ें हमेशा इस्तेमाल करें, एक इमेजिन करें कि यहाँ एक चौकीदार बैठा है, दूसरा यहाँ बैठा, इस चौकीदार का खाली एक ही काम है आपको वापस फेंकना, यहाँ तक अगर आप आ गए तो आप आगे नहीं जा सकते वापस, और पहले वाले चौकीदार का यही काम है कि जो भी कोई आए उसको कंडीशन पूछ ले, कंडीशन सही है अंदर जाओ, कंडीशन गलत है
बात, जो वापस जाने का जो सिलसिला है, दिस इज व्हाट गिव्स द पावर, एक्सप्रेसिंग पावर टू अस। द मशीन स्टिल हैज टू डू दैट घोड़ागिरी। अगर कंडीशन ऐसे लिखी कि आपने 1000 बार एग्जीक्यूट होगा तो 1000 बार काम करेगा, लेकिन आपकी इंस्ट्रक्शन इतनी रहेगी, इंस्ट्रक्शन नहीं बदलेगी। अब इसको एक सवाल मैंने क्लास में दिया था, उसमें था फाइंड द मैक्सिमम ऑफ नंबर्स कुछ है, मेरा हिट ट्रांसफर या ऐसा कोई तो भी एक्सपेरिमेंट है, कुछ लैब है जिसमें मैं इनपुट वैल्यू जो आती है मेरी, कुछ लोएस्ट टेम्परेचर मेरा -28.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और हाईएस्ट टेम्परेचर 195.8 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरा कोई एक्सपेरिमेंट है, हजारों रीडिंग आती है उसमें, और वो दिन भर कोई तो भी सेंसर अपना कलेक्ट करता रहेगा, आखिरी में शाम में मुझे ये पता चलना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई। तो ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरे को बड़े सारे नंबर है, गिने नहीं मैंने कितने दिन भर में कलेक्ट हुए हैं, वो नंबर -28.5 और 195.8 के बीच में है। अब आप मुझे एक प्रोग्राम लिख के दो जिससे ये पता चले कि उनमें मैक्सिमम कौन सा है, लिखिए। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, इनपुट वैल्यू दी जाएगी जो इस रेंज में, हर वैल्यू इस रेंज में होगी, यानी इनपुट वैल्यू अब क्या हो सकती है, 12.3 हो सकती है, -7.8 हो सकती है, 112.9 हो सकती है, ये सब वैलिड वैल्यू, हर वैल्यू जो है इस रेंज में होगी, ऐसा कहने का मतलब, और ऐसी कितनी भी वैल्यू हो सकती, मुझे खुद को पता नहीं कितनी वैल्यू, वो अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके रखा है लैब में, वो दिन भर में वैल्यू फेंकता जाता है, हर 2 सेकंड के बाद एक वैल्यू, तो घंटे भर में 3600 वैल्यूज या 1800 वैल्यू आ जाएगी, और 10 घंटे चलाऊं तो 18000 वैल्यूज आ गए। अब 18000 वैल्यू में मुझे मैक्सिमम पता करना, ये 18000 वैल्यू का इनपुट बना दिया मैंने, हर वैल्यू इस रेंज में है। अब आप प्रोग्राम लिखो, मैंने एक बंदा बिठा दिया वहाँ मशीन पर, आप बोलोगे ये प्रोग्राम लिख दिया तो आप जैसे चलाओगे इनपुट करता जाए, लेकिन अब आप प्रोग्राम लिखिए, ये ख्याल रहे कि आप ए नॉट इक्वल टू जीरो वाला हिसाब नहीं चला सकते आप, क्योंकि जीरो भी वैल्यू हो सकती है इसमें, बिल्कुल वैलिड वैल्यू है। अगर आपने वो प्रोग्राम चलाया इधर, दो चीज़ें देखते हैं उस प्रोग्राम में और इसमें क्या करना पड़ेगा। पहले तो अव्वल ये है कि इंटीजर नहीं हो सकता ए और एम, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यूज है, तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फ्लोट ए, चलिए तो सिंपल था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यह है कि ये प्रोग्राम नॉर्मली चल सकता था, लेकिन ये प्रोग्राम जो है जीरो वैल्यू आने के साथ बंद हो जाता है। अब मेरी वैल्यू तो जीरो वैलिड वैल्यू होगी, जीरो मान लीजिए तीसरी वैल्यू जीरो हो गई 18000 वैल्यू में, तो बाकी वैल्यू कुछ होएगा ही, तो क्या किया जाए, इतना ही सोचना है, बाकी तो प्रोग्राम वो का हो ही रहे। तो दो अलग अलग कंडीशन दो अलग अलग लोगों ने बताई हैं, दोनों सही। पहले इनका कहना सुनते हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चूंकि हमें सेंस करना है कि इनपुट कब खत्म हो गया, जब तक वैलिड वैल्यू रहेगी हमें लेना है, तो अगर जैसे हमने जीरो लिखा था पिछले टाइम, जीरो क्यों लिखा था कि सब पॉजिटिव इंटीजर्स थे, उनमें जीरो हो ही नहीं सकता था, उसी तरह से अगर ये अगर रेंज है, इस रेंज में हमारी वैल्यूज होंगी, तो हम कोई भी ऐसी वैल्यू मन में सोच लें जो इस रेंज के बाहर है। मान लीजिए -1000, ठीक है,
तो जो भी इनपुट आएगा हम कितने 18,000 वैल्यूज देते जाएंगे बाद में -1,000 दे देंगे। और हम इस तरह प्रोग्राम लिखेंगे कि अगर -1,000 वैल्यू आ गई काम काम खत्म करो छुट्टी हो गई। तो क्या ये संभव नहीं कि हम यहाँ लिख दें व्हाइल ए नॉट इक्वल टू -1,000। मान लीजिए ऐसा लिख दिया हमने, पहली वैल्यू पड़ी, क्या वो -1,000 तो हो ही नहीं सकती कोई वैल्यू, तो करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। लेकिन जब हमारी सब वैल्यूज इनपुट देके हो जाएगी, हमने यूजर को बोल रखा है इज गिवन इन द एंड, ये यूजर ने हमें नहीं बताया, हम उसे बता रहे कि हमारा प्रोग्राम चलेगा लेकिन बाद में -1,000 जरूर लिख दें। अगर ऐसा है तो वही वो जीरो वाला हिसाब हो गया, जीरो की जगह -1,000 हो गया। इसमें खाली एक दिक्कत, लॉजिकली आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है, दिक्कत ये है कि अब ए फ्लोटिंग पॉइंट है और फ्लोटिंग पॉइंट में जो इनपुट में आप नंबर देते हैं और जो प्रोग्राम में असाइन होते हैं उसकी एग्जैक्ट इक्वालिटी टेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो। आपको याद होगा कि कैलकुलेशन में 4.012 ऐसा आंसर आया, तो इंटीजर में कन्वर्ट होते समय 4 हो जाएगा, दो फ्रैक्शन में अलग अलग तरह से कन्वर्ट हो सकता है। इन जनरल तकाजा ये है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हों तो कभी भी खाली इक्वालिटी के लिए या नॉन इक्वालिटी के लिए चेक ना करें, हमेशा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ऐसा। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं व्हाइल ए देखिए मैंने क्या लिखा, वाइल ए ग्रेटर देन -50। ये -50 कहाँ से आया? -50 मेरे मन की इजाद। क्यों लिखा मैंने -50? मैंने ये रेंज देखी, इनमें कोई भी नंबर, सब नंबर जो है -50 से बड़े हैं, वैलिड नंबर। मैंने ये देखा क्या लिखा है, -1,000 मैं आखिरी में दूंगा। अब मैं ये जानता हूँ कि -1,000 जो है -50 से बड़ा नहीं है, छोटा है, और बाकी सब नंबर इससे बड़े हैं। मुझे कोई एक पार्टीशनिंग केस चाहिए थी, ये हो गई, ये चलेगा। नहीं, ये देखिए देखिए, पहले तो हम अभी ये समझ रहे हैं कि जो वैल्यूज दी गई हैं वो इसी रेंज में हैं, कोई भी गलत वैल्यू नहीं दी गई, तभी ये प्रोग्राम चलेगा। जो वैल्यूज दी गई हैं उस इस रेंज में हैं ऐसा हमने अज्यूम किया, तो कोई भी आदमी जो वैल्यू है वो 195.8 से ज्यादा वैल्यू नहीं देगा क्योंकि मेजर ही नहीं हुई। प्रॉब्लम जो है वो ये है, ये वैल्यूज दी गई हैं इनके बीच में मैक्सिमम निकालो। इनका सवाल जो दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि मान लीजिए जो इनपुट वैल्यू देते समय किसी ने गड़बड़ गलती कर दी, 250 कर दिया, तो क्या करेंगे? प्रोग्राम जो है वो 250 को फिर मैक्सिमम निकाल देगा, हालांकि वो सही नहीं होगा। उसके लिए जब बड़े इनपुट पढ़े जाते हैं, हम आगे देखेंगे क्लास में कि जब बड़ी संख्या में इनपुट पढ़े जाते हैं तो उसके लिए अलग से एक वैलिडेशन प्रोसेस होता है। तो इनपुट लेने के बाद में हम एक और इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन दिस एंड नॉट लेस देन दिस देन आउटपुट गाली 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 रॉन्ग वैल्यू एंड आस्क हिम गिव करेक्ट वैल्यू अगेन, क्योंकि काम बंद तो नहीं कर सकते, वो हम आगे देखेंगे। इस समय हम खाली इटरेशन कंट्रोल के हिसाब से देख रहे हैं कि इटरेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इनफाइनाइट लूप ना बन जाए, और उसके लिए हमने यह एक आर्टिफिशियल नंबर लिख दिया। लेकिन इससे भी बढ़िया जो आपका जो सजेशन है कि वो रेंज के बाहर भी नहीं होना चाहिए, और वैसा ही हमारे उस मित्र ने भी कहा था कि कंडीशन कुछ इस तरह से लिखें कि जो दिया है उसी रेंज में नंबर आना चाहिए, तो व्हाइल में आगे बढ़ेंगे नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। यानी कोई भी नंबर इस रेंज के बाहर हो गया तो हमारा व्हाइल खत्म हो जाए। तो उसके लिए क्या कंडीशन लिखी जाएगी यहां पर,
ठीक है, ये देखिए व्हाइल ए ग्रेटर देन माइनस 28.5 यानी इतना या इससे बड़ा हो गया, और ए लेस देन 195.5 यानी इतना या इससे कम हो गया। अब इसके बीच में कोई वैल्यू है तो आप आगे जाओ, अगर इसके बीच में वैल्यू नहीं है तो बाहर जाओ। लास्ट वाली वैल्यू जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सी इन ग्रेटर ग्रेटर ए, वो वैल्यू रहेगी -1000, क्योंकि हमने डिक्लेयर किया है कि हम -1000 इनपुट देंगे, और -1000 किसी भी एम से बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि एम जो है उसी रेंज में रहेगा। यहाँ पे आने के बाद जब हम वापस फेंक दिए जाएंगे तो -1000 इसमें नहीं बैठता अपनी कंडीशन में, हम बाहर आ जाए। इनका सवाल ये था कि मान लीजिए कोई जन वैल्यू देता है -1000 की जगह खाली 1000 दे दिया उसने, गलती से -1000 टाइप करने के बजाय 1000 दे दिया, उसको प्रोग्राम बंद करना है, माइनस नहीं टाइप किया उसने 1000 दे दी, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 1000 आ गई, 1000 निश्चित रूप से एम से बड़ी हो जाएगी, एम में वैल्यू 1000 हो जाएगी। अब हम ये प्रोग्राम वापस आएगा, यहाँ पे देखेगा इज ए ग्रेटर देन -500, 1000 इज ग्रेटर देन -500, ये भी अगर हमने कंडीशन लिखी होगी तो बाहर आ जाएगा वो। लेकिन बाहर आते आते आपका जो मैक्सिमम है उसको 1000 बना देगा, इसलिए अत्यंत सावधानी से कंडीशन डिजाइन करनी चाहिए, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय जो कंडीशन लिखी है उसका कायदे कानून से पालन करना। और इसलिए एक और तरीका होता है इस तरह से इटरेशन करने का, वो इटरेशन करने का तरीका होता है काउंट करके इटरेशन कर। जनरली हमारे पास कोई भी वैल्यूज होती हैं तो हमें ये पता रहता है कि कितनी वैल्यूज, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं हम, रजिस्टर में लिखेंगे वैल्यू तो कितने कितनी वैल्यूज हैं हमें पता है। अब मैं जैसे शिक्षक हूँ, मार्क्स लिखता हूँ आपके, मुझे तो पता है कितने स्टूडेंट्स हैं, 463 स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके मार्क्स का मुझे एवरेज निकालना है तो मुझे पता है कि 463 बार ऐसे काम करना पड़े। जब भी ऐसा पता होगा तो हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम C++ को बता सकें कि भैया इनफाइनाइट इटरेशन इस कंडीशन में नहीं है, लेकिन हमने जो इटरेशन लिखा है वो इतनी बार करके बताओ, 10 बार करो, 23 बार करो, 728 बार करो, 1,00,000 बार करो, लेकिन हम काउंट बताएंगे आपको उतनी बार करो। ये कई कई प्रॉब्लम्स में हमें इस तरीके से काम करना पड़ता है। अगर इस तरह से करना है तो हम काउंटिंग कैसे करेंगे, फिलहाल तो ये जो प्रोग्राम है इसमें काउंटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन काउंटिंग हम ऐसे कर सकते हैं, आर्टिफिशियली कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, एक छोटे बच्चे को आपने बताया कि ये चीज़ 4 बार करो, ये पाठ 4 बार पढ़ो, तो क्या करेगा, पहले वो बोलेगा पहला पाठ, पहली बार पढ़ लेगा, पढ़ लिया, अभी इधर देखेगा हो गया क्या 4, नहीं हुआ, फिर बोला दूसरी बार, फिर वो फिर से पढ़ेगा, फिर देखेगा 2, 4 हुए नहीं हुए, फिर 3 करेगा, तीसरी बार 4 हो गए नहीं हुए, 4 फिर से करेगा, चौथी बार अब ये हाथ एक और बढ़ा देगा, 4 बार पढ़ लिया उसने, कितने हो गए, अरे 5, अब पांचवी बार नहीं करना है, ख़त्म करो। तो बच्चा कैसे गिनता है, अपने हाथ को एक काउंटर बना लेता है, 1, 2, 3, 4 इतने बार हो गया काम, अब आगे नहीं करने। C++ के पास हाथ तो नहीं है लेकिन मेमोरी लोकेशन है, हम क्या किसी लोकेशन को काउंटर नहीं बना सकते अपनी तरफ से, तो इस तरह, इसलिए हम एक नया प्रॉब्लम देखते हैं। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, फाइंड सम ऑफ एन नंबर्स वैल्यू ऑफ एन इटसेल्फ इज गिवन एज इनपुट। तो मान लिया मुझे 17, 5, -3, 6,
एंड 12, इनको ऐड करना है। ये कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इस सबके अलावा मैं 5 भी एक वैल्यू दूंगा इनपुट, जो एन की वैल्यू रहेगी। तो मैं असल में 6 वैल्यूज दूंगा कंप्यूटर को। पहली वैल्यू रहेगी कितने नंबर ऐड करना, 5, और फिर 5 वैल्यूज रहे। अगर मुझे 500 ऐड करनी होती तो मैं एन की 500 वैल्यू देता और एक एक करके 500 नंबर, ये मैंने इनपुट दिया। अब आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे इनको ऐड करके बताओ। तरीका हमें वही सोचना पड़ेगा व्हाइल वाला, नहीं तो इटरेशन करना न करें तो मुश्किल है। अब ये देखिए, इस व्हाइल लूप में इन दो स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें। इनपुट ए सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, ये दो स्टेटमेंट अगर मैं बारंबार एग्जीक्यूट करता रहूं तो एक एक नंबर पढ़ लिया जाएगा, सब में ऐड कर दिया जाएगा, दूसरा पढ़ लिया जाएगा, सब में ऐड कर लिया जाएगा। ये वही मैक्सिमम जैसे ही तरीका हुआ। मेरे पास दो लोकेशन है, एक में एम पढ़ा है, सम पढ़ा है, और एक में वैल्यू है ए की। तो अब देखें, अगर इसको मैं बार बार एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा। पहले आएगा 17, इधर 17 सम से ऐड होगा, सब में क्या है वैल्यू पता नहीं है, पता नहीं है, शुरू में पता नहीं है वैल्यू, जीरो नहीं है, एज्यूम कर सकते आप, आपके मन में जीरो है। सी प्लस प्लस के पास जीरो नहीं है, उसके पास 32 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, -25,000 भी हो सकता है। जो उस लोकेशन में वैल्यू पड़ी है वो पड़ी है। तो ये सब झमेला गोलमाल घूमना घूमना चालू करने से सबसे पहले ऊपर में सम इज इक्वल टू जीरो हमको लिखना चाहिए, ताकि इसमें जीरो चला जाए। ठीक है, किक स्टार्ट बोलते हैं, स्कूटर को किक मार के स्टार्ट करते हो ना, तो ये इटरेशन स्टार्ट करने से पहले सी प्लस प्लस को 2-4 लात मारनी पड़े। उसमें से एक लात ये कि सब में पहले जीरो रख दो, जीरो रख दिया। अब इसके बाद ये गोलमाल चालू हो गया, क्या करेगा वो, ए पढ़ा 17, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, फिर से वापस आया सी इन इनपुट ए, अब यहाँ 17 की जगह हो गया 5, 17 और 5 22, यहाँ पे 22 हो जाएगा। फिर वापस गए, इनपुट लिया -3, -3 और 22 कितने हुए भैया, 19, सो 19 लिख दिया। फिर आया 6, यहाँ 6 किया, 19 और 6 25, फिर यहाँ पे 12 आए, 12 और 25 37। लेकिन ये क्या, ये आदमी तो मुझे वापस फेंक रहा है। अब इसने इस समय में मुझे वापस फेंकना बंद कर देना चाहिए, मेरा काम हो गया। और मुझे पहले से पता था कितनी बार घूमना है, कितनी बार घूमना है, एन बार, एन की वैल्यू थी 5, यानी 5 से ज़्यादा बार मुझे घूमना नहीं चाहिए था। वो क्यों घूम रहा है, क्योंकि जो व्हाइल मैं लिखूंगा उसमें क्या कंडीशन लिखूंगा ये मुझे पता नहीं अभी तक। अब इसके लिए मैं उस बच्चे के पास जाता हूँ, भैया बच्चे तू क्या करता था, वो बोलता था पहले मैं हाथ करता था काउंटिंग के लिए, और उसमें ऐसा हाथ बंद कर लेता था, यानी मेरा काउंट जीरो होता था, और जैसे जैसे मैं करता जाता था उसको 1, 2, 3 ऐसे करते जाता। तो जीरो लिखते हैं हम इसके लिए, यानी एक और वेरिएबल बना दिया काउंट नाम का। ये हमारे प्रॉब्लम से संबंधित नहीं है, काउंटिंग से संबंधित, काउंट इक्वल टू जीरो कर दी। जब उसी बच्चे जैसा, जैसे वो एक बार पाठ पढ़ने के बाद में 1 कर देता था, दूसरी बार पढ़ने के बाद 2 कर देता था, यानी काउंट को बढ़ाता था 1 से, हम इसको यहां बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये हर बार जब वापिस जाएगा
तब वो फाइल स्टेटमेंट जो रहेगा अब आप बताएं कि अगर मुझे ये इटरेशन एन बार करना है एन बार काउंट शुरू में जीरो है फिर वन होगा फिर टू होगा फिर थ्री होगा फिर फोर होगा जीरो वन टू थ्री फोर में पांच बार हो जाएगा उसका काम जैसे ही वो काउंट पांच हो जाएगा मुझे निकल भागना है तो कब तक करते रहना है पांच से कम है तब तक तो यहां पे मैं क्या कंडीशन लिखूं पांच नहीं एन लिखूंगा क्योंकि मुझे एन बार करना है लेकिन एन क्या है अब ये जो लाल स्याही से जो लोग लिखे गए हैं ये काउंटिंग की खासियत है व्हाइल इटरेशन तो आप किसी भी कंडीशन से चलवा सकते हैं लेकिन अगर काउंटिंग करके चलवाना है उसको ठीक से तो उसके लिए काउंट की एक मैक्सिमम वैल्यू पहले कहीं से डिसाइड कर लीजिए यहाँ पे इनपुट दिए जा रहा है हो सकता है कई बार आपको इंटरनली कैलकुलेट करना पड़े लेकिन जो भी है एन की वैल्यू हो जाना चाहिए उसके बाद काउंट को इनिशियलाइजेशन होना चाहिए उसके बाद काउंट की वैल्यू चेक करनी चाहिए एन के अगेंस्ट और जब तक एन से छोटी है आप करते रहो रिइटरेशन और ये काउंट को ऐड करना ना भूलें एक से क्योंकि नहीं तो काउंट चेंज ही नहीं होगा ये तरीका समझ गए आप इजी है अब इसमें वेरिएशन देखिए क्या ये जरूरी है कि काउंट को मैं जीरो से चालू करूं मान लीजिए मैंने उसको वन से शुरू किया अब कितने बार रन होगा इटरेशन एन माइनस वन होगा अगर मुझे एन बार करना है तो क्या करना चाहिए काउंट लेस देन इक्वल टू एन करूं अगर मैंने जबरदस्ती काउंट इक्वल टू काउंट प्लस थ्री लिख दिया यहां पे अब एन बार मुझे रन करना है तो मैं क्या कंडीशन लिखूं नहीं चलेगा भैया ये देख लेते हैं एन की वैल्यू है पांच आपको पांच बार रन करना है आपकी काउंट की वैल्यू आई वन सही है कंडीशन एन की वैल्यू पांच है काउंट प्लस थ्री हो गया काउंट की वैल्यू क्या कोई चार चार अभी भी एन प्लस थ्री से कम है एक बार और आ गए आप चार के बाद सात हो गया सात भी अभी आठ से कम है एक बार और आ गया सात और तीन दस हो गए अब ये दस से ज़्यादा हो गया लेकिन आपने एग्जीक्यूट कितने बार किया चार बार तीन बार तो ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कंडीशन लिखने के असल में सही कंडीशन क्या होगी थ्री टाइम्स एन आप हर बार तीन तीन ऐड कर रहे हैं ना तो तीन गुणा कर दो उसको लेकिन ऐसी इल्लत करने से क्या यह ज्यादा सही नहीं है इसलिए उल्टे दिमाग से सोचो ही मत काउंटिंग करना है तो बिल्कुल बच्चे से काउंट करो आपने कोई भी बच्चा देखा है कि जो पहले चार से काउंट शुरू करता है उसको बोला तीन बार करना है तो पहले ऐसे हाथ कर लेगा और फिर बोलेगा पाँच छः ऐसा कोई करता है एक से ही चालू करेगा तो बच्चे जैसा रहना बिल्कुल सही है गलती नहीं होगी कभी काउंट एक से शुरू करो लेस देन इक्वल टू एन उसको चेक करो और एक से बढ़ाओ बराबर एन बार चले हालांकि परीक्षा में पुस्तकों में मैंने ऐसे सवाल देखे हैं फॉर आई इक्वल टू माइनस 23 सेमीकोलन आई इक्वल टू माइनस 23 व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 73 आई इज इक्वल टू 2 star i + 7 अब बोलो कितनी बार चलेगा कंडीशन सही है उसकी उस हिसाब से कुछ बार वो चलेगा या चार बार चलेगा या पांच बार चलेगा या सात बार चलेगा आप बता सकते हैं उसको कंडीशन को इवैल्यूएट करके एग्जीक्यूट करके लेकिन ऐसा अगर कोई प्रश्न पूछे
तो आपको उत्तर में यह लिखना चाहिए कि साहबजादे आपका दिमाग तो नहीं फिर गया, आप इस तरह से क्यों काउंटिंग करवा रहे हो, दुनिया में कौन ऐसा काउंटिंग करता है, कोई नहीं करता। अब चूंकि आप विद्यार्थी, आप ऐसा लिखेंगे नहीं, शायद मैं नाराज हो जाऊंगा, लेकिन कम से कम पेपर देने के बाद बाद में बाहर आके तो मुझे बोलना चाहिए कि साहब ये आपने ठीक नहीं किया, क्या आप ऐसे काउंटिंग करते थे बचपन। आप पुस्तक पढ़ेंगे कई बार, इसलिए हम लोग बुक्स फॉलो नहीं करते, क्योंकि कई बार बुक्स में जो है वो इस तरीके से आर्टिफिशियल सवाल दिए जाते हैं जो कभी भी जिंदगी में हम लोग उस तरह से नहीं सोचेंगे और सोचना नहीं चाहिए। जब C++ प्रोग्रामिंग इस कोर्स के लिए आप करेंगे, सीधा सिंपल तरीके से सोचिए, सिंपल तरीके से इटरेशन बनाएं। ये समझ गया? अब आपको एक सवाल देता हूँ, ये प्रोग्राम आपको लिखना है। फाइंड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, फाइंड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर समझते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 है। नहीं फार्मूला नहीं, वो कंप्यूटर को आपको मेहनत का काम करवाना है, आपको प्रोग्राम लिखना है। आपको फार्मूला याद है तो बड़ी अच्छी चीज़ है, वो प्रोग्राम आप लैब में रन करें, इनकी कोई वैल्यू देखें, देखें प्रोग्राम सही चलता है कि नहीं, उसके लिए आप अपने फार्मूले का इस्तेमाल करें, जो कंप्यूटर उत्तर देता है वो उत्तर सही है कि नहीं आप देख सकते। यहाँ पे तो प्रोग्राम लिखना, लिखिए। लिख लिया? नहीं, पूरा प्रोग्राम लिखो इस बार, अभी जैसे आप जो जो भी आप लिखोगे वैसे के वैसे अगर टाइप किया तो C++ कंपाइलर क्या बोलेगा, सही है करके रन करना चाहिए, ऐसा लिखो।
यू विल आस्क मी व्हाई आई हैव स्पेंड टाइम इन राइटिंग डाउन ईच वन ऑफ दीज प्रोग्राम्स. व्हाइल डिफरेंट पीपल हैव मेड डिफरेंट मिस्टेक्स, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम प्रॉपर. सो डोंट वरी बाय द वे इफ यू हैव मेड दोज मिस्टेक्स, दीज थिंग्स विल हैपन एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव लैब वेर यू टाइप इन एंड द सी प्लस प्लस टेल्स यू वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. बट हियर लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इट्सेल्फ प्रॉपरली. वॉट इज इट दैट वी वॉन्टेड टू डू? वी वॉन्टेड टू एड इन नेचुरल नंबर्स. वॉट आर द नेचुरल नंबर्स? यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Suppose I say n is equal to 7. What is the answer we must get? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7. That is what we should get. Okay? That is the objective. Now let us see how we have solved these problems. Int n, correct declaration. C in greater greater n, okay. Sum equal to 0. Anything wrong with that? Sorry? Sum is not defined. It should immediately occur to you. This is the first and fundamental rule of C++. You cannot use a name unless you have declared it. And why you make a mistake? Because you don't write programs, you only read. And you think you have understood. Only when you write and cross check again, writing is not sufficient. Before giving it to C++, you should read it again. Then you will understand. So, what should happen here? Int sum. Next, count. Is count declared? So count also should be declared. Fine. Is starting with sum is 0, count is 0. While count less than n, do sum is equal to sum plus 1, count is equal to count plus 1. He will execute this n times, but what is he adding in sum? Every time 1. Initially sum is 0, it will become 1, it will become 2, it will become 3. Just as count will become 1, 2, 3, 4, 5, sum will become 1, 2, 3, 4, 5. And what you will have here is sum is equal to n. It is not sum of n natural numbers, it is sum of 1 + 1 + 1 + 1 + 1. And as an added attraction, our friend is not even printing this. So there must be a C out statement. There happened with a friend of mine who was finishing his PhD and his program at that day's a computer called MIS2, and he was struggling hard and he finally said, oh, now I got everything right. And only thing is, program would take 6 hours to run. So one night he finally corrected everything and he took a night shift because there was a small computer, everybody wanted it, so he had to book a complete night shift. So he came with his Boria Bistar, went into the computer room, started the program, and early morning sometimes the program terminated, he was very happy. Except there was no output. He has a large program. While editing, finally, the program which he gave, he had removed the output statement. The computer worked for 6 hours and came to a nice halt without giving any output. Never miss this. Computer must print something. Okay. So, understood the mistake? This is not good. Let's look at this. C in greater than n, A equal to 1. Sum equal to 0, count equal to 1. All those names are used, no declaration, not good. So what should I say? Int n a sum count. While count less than n, sum is equal to sum plus a, a is equal to a plus 1, count is equal to count plus 1. What will it do? Yeah. What will it do? हाँ बोलो क्या करेगा? हाँ क्या करेगा ये? तो कैसे चलेगा? शुरू में करते हैं. Count equal to 1 है, n की वैल्यू 7 है मान लीजिए जो लिखी थी, sum 0 है, पहली बार आया,
काउंट लेस देन सेवन है, सब में एक ऐड हुआ, फिर एक की वैल्यू दो हो गई, वापस गया काउंट को बढ़ा के, फिर दो ऐड हुआ, फिर तीन ऐड हुआ, यानी सम के अंदर जो है वो नेचुरल नंबर ऐड हो रहे हैं, क्योंकि आप नेचुरल नंबर को एक को एक से एक बढ़ा दिया। काउंट कब तक चलेगा? पहले वन से शुरू किया था तो पहली बार आया, दो हुआ, आया तीन हुआ, चार हुआ, पाँच हुआ, छः हुआ, सात हुआ, यहाँ पर यहाँ गया, क्या सात लेस देन सेवन है? नहीं, बाहर आ जाएगा, यानी वो इतना ही ऐड करेगा। अगर आप काउंट वन से शुरू करते हैं तो इसको हमेशा लेस देन इक्वल टू एन लिखना ना भूलिए, अगर जीरो से शुरू करते हैं तो लेस देन एन। छोटी सी गलती है लेकिन प्रोग्राम अदरवाइज सही है। इसमें खाली एक गड़बड़ है, ये जो नेचुरल नंबर इन्हें ऐड करना है तो इन्हें ये पता चल गया कि भाई एक एक ऐड करने से काम नहीं चलेगा, तो जो ऐड करना है उसी को एक एक से बढ़ाते जा रहे हैं। अब इस समय मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा लास्ट प्रोग्राम, लास्ट प्रोग्राम में देखिए वो क्या कर रहा, सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट, उसने भी काउंट एक से शुरू किया है और उसका ये मानना है कि भाई काउंट कैसे बढ़ रहा है, पहले एक है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर चार है, यही तो नेचुरल नंबर है, तो मैं अलग से उसको ए या ऐसे कहीं जाके क्यों कैलकुलेट करूं नेचुरल नंबर, खुद काउंट ही नेचुरल नंबर है तो काउंट ही ऐड करता जाऊं। काउंट की वैल्यू शुरू में एक हो गया, एक ऐड हो जाएगी, फिर दो हो जाएगी, दो ऐड हो जाएगी, तीन हो जाएगी, तीन ऐड हो जाएगी, काम हो गया। इसमें खाली एक गड़बड़ है, यहाँ सेमी कोलन रह गया, और दूसरी गड़बड़ है यहाँ, सॉरी हाँ, काउंट डिफाइन भी नहीं हुआ है। चलिए इंट काउंट, और कोई गलती वाइल के बाद, वाइल के बाद क्या सी इन, क्यों इनपुट, क्या इनपुट तो कुछ जरूरत ही नहीं है ना, नेचुरल नंबर ऐड करना है, उसे पता है क्या ऐड करना है। इनपुट कब देते हैं आप कि वैल्यूज जो बाहर से आ रही है उनको कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, अभी तो वैल्यू बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं है ना, इन्होंने इनपुट लिया कोई ना, इन्होंने इनपुट लिया, क्योंकि क्या ऐड करना है मालूम है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ऐसे ऐड करते जाना है एन तक, खाली एन इनपुट लेना है और वो इनपुट लिया है इन्होंने। एक बार एन ले लिया तो ये सवाल थोड़ा विचित्र है, ये सवाल ऐसा है कि जिसमें बाहर से इनपुट लेने की कोई जरूरत ही नहीं, खाली एन की वैल्यू लेने की जरूरत, क्योंकि बाकी सब हम जनरेट कर सकते, आप इनपुट ले सकते हैं लेकिन वो जबरदस्ती होगी, आप लोगों को बोलेंगे कि आप नेचुरल नंबर एक एक करके इनपुट करो तो लोग आपसे कहेंगे आप सी प्लस प्रोग्रामर हो, आपके सी प्लस प्लस को काउंटिंग करना नहीं आता क्या? आता है, इन्होंने काउंट का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट एक और होना चाहिए सी आउट करके, लेकिन बाकी ये प्रोग्राम सही चले। ये प्रोग्राम देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एन है लेकिन सम और काउंट फिर से डिक्लेयर नहीं हुए। ये देखिए न केवल परीक्षा में आपके नंबर कटेंगे लेकिन आपका कंप्यूटर भी आपको गाली देगा। कभी भी किसी भी नाम को डिक्लेयर करना मत भूलिए, इंट सम, इंट काउंट, इंट एक्स, इंट फ्लोट वाई, जो भी है नाम को डिक्लेयर करने के बगैर उठा लीजिए। अब अपनी तरफ देख लीजिए, पैदा होते ही अपने को अपने माँ बाप नाम दे देते हैं, नाम नहीं दिया कितनी दिक्कत आएगी, ए ओ ऐसे करते फिरेंगे लोग, नाम होना जरूरी वो जो नाम अपने माँ बाप बड़े प्यार से और बड़ा समारंभ करके रखते हैं, यहाँ इतना समारंभ नहीं, खाली एक स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि लिखना भूलिए मत, ये तो नाम लावारिस हो जाता। ठीक, आगे हाँ, यहाँ पे फिर क्या है, सी इन ग्रेटर ग्रेटर एन पढ़ लिया, काउंट जीरो है, अब यहाँ ये चेक करें काउंट लेस देन एन एंड ए ग्रेटर देन। असल में ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इटरेशन है जो एन बार ही चलना चाहिए, क्योंकि एन नेचुरल नंबर ऐड करना है, तो और कंडीशन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये सुपर फ्लॉस है। ये गलत है या नहीं ये मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सुपर फ्लॉस है। लेकिन इसके बाद जो गलती करी है वो ये गलती है कि सी इन ग्रेटर ग्रेटर ए लिखा है, ये जो इनपुट है, तो जिन्होंने ये प्रोग्राम लिखा है उन महाशय का तकाजा है कि आपको इनपुट देना चाहिए, आपको पहली बार वन देना चाहिए, फिर टू देना चाहिए, फिर थ्री देना चाहिए। मान लीजिए देने वाले ने गलती कर दी तो फिर प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोग्राम गलत उत्तर दे देगा, जबकि जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम जो है
फाइंड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, जब भी ऐसे सवाल हो जिसमें इनपुट लेने की आपको जरूरत नहीं है, जब आप कंप्यूटर से निकाल सकते क्या करना है काम, तब आपको इनपुट नहीं लेना। इनपुट कब लिया जाता है, जबकि कुछ वैल्यूज के ऊपर ऑपरेट कर रहा है जो आपको मालूम नहीं, खाली यूजर्स को मालूम, फिर भी ये चल सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे कमेंट लिखना चाहिए, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेचुरल नंबर्स इन द ऑर्डर, ऐसा यहाँ पे कमेंट लिखना चाहिए, ये तो पता नहीं चलेगा बाहर से क्या इनपुट कर रहे हैं। फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, काउंट काउंट प्लस वन, और ये खाली जब तक ए पॉजिटिव नंबर है तब तक चेक कर रहे हैं, तो भले कोई ए की वैल्यू 17 दे दे 23 दे दे तो भी आप ले लेंगे उसको, सम कर देंगे, गलत हो जाएगी सर। और आउटपुट यहाँ भी चाहिए। ये देखें यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने इंट एन डिक्लेयर किया है लेकिन एस डिक्लेयर करके सम यूज किया, ये गड़बड़। ये दो अलग अलग नाम है, आपको ये अलग से लिखना चाहिए, ये भले लिखे ना लिखे क्योंकि यूज नहीं कर रहे हैं। एन नॉट इक्वल टू जीरो, सी इन एन, ये तो बड़ा भयंकर स्टेटमेंट। लकीली इन्होंने यहाँ कैपिटल एन लिखा है, यहाँ स्मॉल एन लिखा है, इसलिए बच गए। लेकिन ये एन तो बदल ही नहीं रहा, जो शुरू में होगा इसकी क्या वैल्यू है मालूम नहीं। जिस कंडीशन को आप चेक कर रहे हैं उसको आप रीड करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम में लिखा है एन की वैल्यू खाली एक बार दी जाएगी, एक बार शुरू में, वो यहाँ पे देने के बाद एन की वैल्यू कोई नहीं देगा आपको, एन की वैल्यू दी जाएगी आपको एन नेचुरल नंबर से ऐड करना, इसलिए सवाल को समझिए और उस तरह से कीजिए या इस तरह से या उस तरह से, लेकिन इनपुट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इनपुट लेना ही है तो जैसा इन्होंने लिया कोई और नंबर ले और उसमें लिखे कमेंट में कि भाई यूज़र को नेचुरल नंबर देने चाहिए एक के बाद एक, तभी ये सवाल सही हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। Let us look at this problem. N sum count. Nothing is declared here. So all the declarations are required. N sum count. Counting mechanism यहाँ पे लग रहा है ये zero से शुरू हुआ है, यहाँ पे less than n चल रहा है या ये हो रहा है, लेकिन sum is equal to sum plus one हो रहा है। तो इनकी वही गलती है जो पहले एक बार गलती हुई थी कि जो sum निकलेगी वो एक एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और एक चार, ऐसा जोड़ करके वैल्यू एन ही दे देगी, एन नेचुरल नंबर्स को ऐड नहीं करेगी। ये प्रोग्राम थोड़ा सही है। हाँ, इसमें सम में 0.0 क्यों लिखा भैया, ये भी गड़बड़ है। लकीली 0.0 भी लिखोगे तो जब वो कंप्यूटर 0.0 को असाइन करेगा बाई तरफ देखेगा सम इंटीजर है, उसको जीरो कर देगा, तो इसलिए प्रोग्राम सही चल जाएगा। लेकिन आपका कहना सही है कि ये दुरुस्त नहीं है लिखना, इस तरह ठीक नहीं, ठीक। ये क्या है, अच्छा ये निगेटिव करते जा रहे हैं, ये इन्होंने अपना एक और तरीका सोचा है। देखिए आदमी का दिमाग कैसे कैसे सोच लेता है, अच्छा है। ये देखें क्या कर रहे हैं, देखने लायक है प्रोग्राम।
ये देखिए क्या कर रहे हैं प्रोग्राम में। पढ़ लिया आपने प्रोग्राम? ये प्रोग्राम बिल्कुल सही चलेगा। और ये एक चीज और चेक कर रहे हैं जो अपने में से किसी ने नहीं सोची। ये एन पढ़ रहे हैं पहले शुरू में, सम को जीरो कर दिया। अब एन नेचुरल नंबर्स को ऐड कीजिए, ऐसा प्रश्न है। मान लीजिए किसी ने आपको टोपी लगाने के लिए -7 वैल्यू दे दी एन की, तो आप जिंदगी भर करते रहोगे या कुछ भी करे बगैर चले आओगे? आप उसे गाली नहीं दोगे कि -7 कैसे दिया? ये वो काम कर रहे हैं। ये पहले चेक करते हैं कि एन ग्रेटर देन जीरो है क्या। सॉरी, हाँ वो मेरी गलती, उनकी नहीं, उनकी होगी तो वो सुधार लें। ये अगर एन ग्रेटर देन जीरो है तो ये सब करेंगे, नहीं तो यहाँ आके मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे वो गाली गाली दे रहे हैं। इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ एन, सही है, मतलब जो इनपुट को वैलिडेशन कर रहे हैं। चलिए छोड़िए, वो नहीं हुआ। लेकिन आगे जो कैसे लिखा देखे आप, ये लॉजिक, ये काउंट वगैरह को यूज ही नहीं कर रहे हैं। एन नेचुरल नंबर्स को ऐड करने से 7 नंबर को ऐड करना है, तो बोलता है काउंट तो दे रखा है 7, अब मैं उल्टी गिनती शुरू करूं और 7 को ही ऐड कर लूं, तो उसका उसको 1 से कम करके 6 करूं, उसको ऐड करूं, फिर 1 से कम करके 5 करूं, उसको ऐड करूं, और जैसे जैसे वो चलता जाएगा आखिरी में 1 हो जाएगा तो ऐड करूं, 0 हो जाएगा तो बंद कर दूंगा। तो ये वो बिल्कुल वो एक होशियार बच्चे की तरह कर रहे कि जो पहले वो 5 बार करो बोला तो पहले ऐसा हाथ खड़ा कर दे, 1 बार किया 1 कम, 2 बार किया 2 कम, 3 बार किया 3, देखता रहे 4 बार किया कम हो गया, ये उल्टा। तो ऐसे उल्टी गंगा भी बहेगी लेकिन सवाल उत्तर सही निकलेगा। तो ये थोड़ा ये क्या कर रहे हैं, अलग से काउंटिंग मैकेनिज्म की इनको जरूरत नहीं है, वो एन को ही काउंट करके यूज कर रहे हैं, इसमें एक ही गड़बड़ है। ये प्रोग्राम में एन की जो वैल्यू दी थी 7, 24 जो भी दी थी वो गायब हो जाती है। जब तक आप अपना काम खत्म करोगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये प्रोग्राम सही चलेगा अगर आपका मकसद एन नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है खाली। लेकिन मान लीजिए आपको बड़ा प्रोग्राम लिखना है जिसमें पहले एन नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है, फिर उसके बाद में एन दूसरे कोई चीज़ें हैं उनके साथ कुछ और करना है, यानी एन की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज सम काइंड ऑफ ए डेटम टू रिप्रेजेंट मल्टीपल थिंग्स, तो ऐसी चीजें जो हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं किए जाते। हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये लॉजिक भी आपको यूज करना है। तो आप कुछ तो भी यहाँ पे कैपिटल एन रीड कर लीजिए और यहाँ पे एन भी डिक्लेयर करें और यहाँ पे आपका जो एन है एन इक्वल टू कैपिटल एन कर, यानी जो यूजर ने इनपुट दिया है वो कैपिटल एन है, उसको मैं रख रहा हूँ, उसको हाथ नहीं लगा रहा हूँ। मेरा एक और टेम्पररी वेरिएबल लोकेशन मैंने एन लगा दिया, उसमें वैल्यू रख ली और उसको भले मैं 0 करूं -10 करूं, मेरा ये सही।